दोस्तों मेरे सामने डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो आज से करीब मेरे पास 1 साल पहले आए थे करीब। उनको मैंने दवा लिखी, उनका वेट ज़्यादा था, मैंने दवा लिखी कि इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होगा, लेकिन वो मेरी दवा नहीं खाई और उन्होंने वेट कम किया और शुगर को अपने आप उन्होंने लगभग कंट्रोल कर लिया। तो मैं उनसे पूछूंगा कि ऐसा क्या किया उन्होंने 1 साल में कि बिना दवा के शुगर, पहले शुगर इनका HbA1c था 8.5 था, और अगर अगर इसमें देखेंगे यहाँ पे मैंने देखे 9.4 था, और अब देखिए इनका HbA1c आ गया 6.9 आ रहा है इसमें, आ रहा। तो शुगर खाली पेट उसे पूछते हैं, तो भाई साहब ऐसा क्या किया आपने कि जो आपने पिछले 1 साल वेट भी कम किया 7 किलो और शुगर नॉर्मल है, तो ये आप जानना चाहते हो क्या किया आपने जो पहले नहीं करते थे, डाइट एक्सरसाइज क्या किया परिवर्तन? डॉक्टर साहब सारा सब कुछ चेंज किया। पहले मैं 9 बजे सो करके उठता था। वीडियो हम लोग यूट्यूब डालेंगे सो देर और नॉलेज मिले, ठीक, और लोग भी आपको फॉलो कर सके, आप उनके गुरु बन जाओगे। जी डॉक्टर, मीडियम में रहूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। पहले मैं जैसे 9 बजे लोग हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प हो सके? सबसे ज़्यादा फ़र्क मैंने लाइफ में ये महसूस किया, लेट सो करके उठता था सवेरे 9 बजे के बाद, और फटाफट नाश्ता करना, फटाफट नहाना, काम पे जाना, और रात को 10-11 बजे करीब घर पे आना काम पे से, फिर उस टाइम खाना खा करके सोना। जब मेरे को पता लगा कि मेरे को शुगर हो गया, तो मैं आपको दिखाने के लिए आया। जैसे आपने बताया सबसे पहले दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी, तो उस दिन से मैंने सवेरे रोज़ 7 बजे उठ करके घूमना शुरू करा सबसे पहले। तो 1 महीने मैंने वॉक किया, तो मेरे को शरीर कुछ हल्का अपने आप को महसूस होने लगा। उस टाइम मेरा वेट था 93 kg। तो पहले आप वॉक नहीं करते थे? पहले आप कुछ भी नहीं करते थे। पहले आपने वॉक शुरू किया, कितना वॉक शुरू किया आपने? लगभग लगभग 2 किलोमीटर का एक राउंड शुरू किया मैंने। अच्छा, तो शुरू में 5-7-10 दिन किया, बड़ा अच्छा नहीं लगता था, मतलब थकावट फील होती थी, बुरा लगता था, यह होता था कि आज बारिश हो जाए ना जाऊँ, आज ये हो जाए, या मैं नहीं जाता तो मेरी वाइफ मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी, मेरे को सोने नहीं देती थी कि जाओ आप जाओ 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 करके मेरे को घर से जरूर भेजती थी। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनकी जो वाइफ वीडियो देख रहे हैं, उसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज अपने हस्बैंड फोर्स करें कि उनको डेली कम से कम 45 मिनट 1 घंटे एक्सरसाइज करना है। तो अपने वाइफ को फोकस फोर्स करें कि आप 45 मिनट से 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा, ये फोर्स करें आप उनको। ऐसा आप कुछ करती थी बहन जी? आप करती थी कुछ, ये फोर्स करती थी आपको? करती थी। तो पहले वॉक करना शुरू करा। कैसे पूछ किया आपने? क्या पूछ किया बताओ, क्या पूछ किया? उठ जाओ, वॉक पे जाओ, योगा करो। न उठते थे क्या करती थी आप? ठीक नहीं रहना क्या, कैसे काम चलेगा, दवाइयों पे आ जाओगे। वेरी गुड वेरी गुड। फिर क्या बताओ? फिर वॉक करते करते शरीर को अच्छा लगना शुरू हो गया। मेथी का पानी, फिर हाँ, एक मैं सवेरे सवेरे मेथी का पानी, रात को ये 1 गिलास में थोड़ी मेथी भिगो कर रखती हैं, वो मेथी का पानी जरूर सवेरे सवेरे मैं उठ करके लेता हूँ जी। फिर उस वॉक करते करते वॉक करना आसान लगने लगा, तो 1-2 फ्रेंड्स थे तो बोले कि भाई टाइम रहता तो चलो योगा करने चलेंगे। तो फिर हुआ योगा करना शुरू कर दिया, पहले वॉक करके आते थे, डायरेक्ट योगा करने चले जाते थे। तो योगा करने में भी ऐसा हुआ कि 10 दिन तो बहुत मुश्किल लगा, मन करता था नहीं जाएंगे कल से, पर फिर योगा करते करते योगा के अंदर भी मज़ा आने लगा। फिर मतलब सर्दियों का टाइम था, पसीना भी आने लगा। फिर मैं जब अपनी शुगर चेक करता था रोज़ की रोज़, तो मेरे को पहले मान लिया 200 थी, फिर 180 होनी शुरू हुई, फिर 170 होने लगी, तो एक लगन लगने लगी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैंने एक और महसूस किया, मेरी वाइफ ने मेरे को शाम को 6 बजे खाना खिलाना शुरू कर दिया, 6 बजे के बाद मेरे को खाना देना बिल्कुल बंद कर दिया। तो उससे जो मैं पहले रात को टाइमली सो नहीं पाता था, मेरे को बेचैनी रहती थी, शरीर भारी भारी रहता था, तो वो सब परेशानियां खत्म हुई। थैंक यू डॉक्टर। और बोला सुनो, तो क्या होता है कि स्टडी देखा गया है कि जो लोग जल्दी खा लेते हैं उसके बाद करीब अगले 12 घंटे नहीं खाते हैं, तो इसे बोलते इंटरमीटेंट फास्टिंग। 12 घंटे फास्टिंग करने से क्या होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, बॉडी का इंसुलिन फॉर्मेशन, इंसुलिन का एक्शन बढ़ जाता है। तो जो 12 घंटे का फास्टिंग रखते हैं उसका देखा गया कि सारी बीमारियाँ, मोटापा कम होता है, शुगर बीपी कम होता है, फ़ायदेमंद है। तो आपने ये बड़ा अच्छा काम किया है, तो ये हेल्प किया आपको। और बोलो, करेला बहुत खाया डॉक्टर साहब, आंवला बहुत खिलाती है ये मेरे को। बाकी इसने आपके ना YouTube पे जितने भी आपने YouTube पे अपने वो डाले हुए हैं उसे बड़ा फॉलो किया इसने, खाने का सिस्टम सब उसी से आया है इसको कि भाई रात में खाना नहीं देना है, चने के आटे की रोटी देनी शुरू कर दी जैसे, तो काफ़ी चेंजेस किए इसने।
बाकी अब ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मैं आपके पास आया हूँ कि एक बार और देख लीजिए आप। तो मैंने कुछ बोला, आप भी थोड़ी को पकड़े, आप भी बोलो जरा कुछ बोलो, कुछ और दे, चलो छोड़ 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 मैम, मेरी यही कोशिश थी कि दवाइयाँ ना लेनी पड़े। तो देखिए इसका मतलब ये होता है, देखो कि आप सबसे रिक्वेस्ट, जिसको डायबिटीज है, शुरुआत है, पुराना है, कई बार बोल रखा मैंने, अगर आप मोटे हैं, अगर 8 किलो वजन कम करोगे डायबिटीज खत्म हो जाएगी। तो भाई साहब क्या देखो, इनके HbA1c आ गया 6.9 आ गया है, हमें लगता है 2-3 किलो वेट कम करोगे और नीचे आ जाएगा। जी 8 किलो वेट कम होने से मोर देन 80% डायबिटीज खत्म हो जाता है, 10 किलो वेट कम से लगभग मेजॉरिटी खत्म हो जाता है, और 13-14 किलो वेट कम गारंटी खत्म हो जाता है। तो अगर वेट कम करना है तो लाइफस्टाइल बदल करके वेट कम करो। और देखो जैसे बोला उन्होंने, शुरू में एक्सरसाइज जब किया तो बड़ा तकलीफ लगी, धीरे मजा आने लगा, योगा स्टार्ट किया तकलीफ लगी फिर मजा आने लगा। तो क्या होता है, जब भी नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो थकान, बॉडी पेन, अनकम्फर्ट होता है, बट विद टाइम बॉडी इसे एडजस्ट हो जाता है। तो इस वीडियो से एक लेसन मिली कि अगर वेट कम करना चाहते हो तो पहले खाने मात्रा कम करो, एक्सरसाइज बढ़ाओ, सलाद बढ़ाओ, खाने में कार्बोहाइड्रेट कम के बहन, जैसे मिस्सी रोटी देना शुरू कर दिया है, सलाद बहुत खाइए। हाँ वही कह रहे, सलाद खूब, हरी सब्जी खूब खानी है, मिस्सी रोटी खानी है, एक्सरसाइज बढ़ाओ और रेगुलर शुगर मॉनिटर करो। जान लो जीवन के 3-4 महीने अपनी सेहत के लिए दे दो, फायदे में रहोगे। आई होप इस वीडियो को सीखेंगे आप।